नमस्कार मंत्यवी को स्वागत करा एसएफ सौम्य रंजन मृत्यु मामला पूर्वतन रात्रि जगुआई गंगा प्रधान चांचल्यकर बयान पर बदी पड़ते डीएफओं को बचाई चली प्राणमूर्छा उद्यम डीएफओ राति अधरे एसएफ सौम्य रंजन सरकारी बासभवन को जाऊ आखिरी देखि पूर्वतन रात्रि जगुआई गंगा प्रधान गणमाध्यम चांचल्यकर बयान देवा मिछ बोली प्रमाणित करने वन विभाग पक्षर एक चिठी सामना को आहाँ अनेक प्रश्नवाची सृष्टि 2021 फेब्रुवारी मास 1 तारीख में महेन्द्र वनांचल अधिकारी ज्योति सिक्युरिटी सर्विस नामक संस्था को चिठी लिखा जाने सामना को एक घटना जो गंगा को 2020 मसीह डिसेंबर 31 तारीख में कार्यरु बाहर कर स्थान में अन्य जन व्यक्ति को नियुक्ति उल्लेख रही तेरे किछि मास परे पत्र लेखिवा परे ताहा पुणि जने संस्था पाखक जने अधिकारी लेखिवा घटना अनेक प्रश्न सृष्टि करछि तेणु दिन को दिन बदरु आहुरी बिवाद को ठेली जाउछन्ति डीएफओ संग्राम केशरी गतकाल जदि देखिवा रात्रि जगुआईंकर बिवादीय बयान एवं तापरे मिछो ड्यूटी रो अभिनय करी जलप्रपात रे मौज मस्ती करबा एवं एबे वर्तमान आसीछि वन विभाग रा ओके चिठी जहाँ को नहीं अनेक प्रश्नवाची सृष्टि होछि तेणु जेहेतु सत खोलुछि चाप भी बढ़ुछि पूर्वतन रात्रि जगुआई गंगाधर बयान पर खासकर जी देखा यह घटना भिन्न एक मोड़ नौपटे पुलिस तदंत पर ना प्रथम पर लोकर भरोसा थी एवं ना क्राइम ब्रांचर तदंत पर भरोसा करेणु एकम्र दाबी से बर्तमान रही कि सीबीआई तदंत कर सीबीआई तदंत पर ही प्रकृत घटना सामना आसपटे जी देखा घटना को पखापाखि मासे बीतवाक बसला किंतु ए पर्यंत सौम्य को ना सौम्य पर न्याय मिलनी अनेक चरित्र सामिल होती अनेक घटना सामना को आसुची वकिल अनेक कथा कहते कि गोटे कथा सामना को आसवा पर कौली भाव में तदंत को बाटबणा करने चाप पड़ी अनेपटे जी आईओ रही जो भी भाव में बयान रही तेणु पूरापूरी घटना को चपे देवाई अनेक चाप पड़ी किंतु जेहेतु दिन को दिन गोटे पर गोटे मुह खोलू घटना को नहीं जब देखा पूर्वर मध्य अनेक जो रोसिया रही थे कि ड्राइवर रही थे पचराउचरा कले सत आसना को जो चाप पड़ा सौम्य पर लोके बारंबार अभोग करते विद्याभारती को भी पचराउचरा कर कहीं कौन सी प्रकार पदक्षेप नि जाऊना एवं तदंत को बाटबणा केवल कराई तेणु न्याय मिल कि नहीं गोटेपटे सौम्य पर बर्तमान सन्देह रही अनेपटे जो रात्रि जगुआई बयान एवं बयान पर वन विभाग चिठी आज पर्यंत कहीं से चिठी सामना को आसाला हठात गंगाधर को ये बयान पर वन विभाग चिठी कौन प्रमाणित करें आलोचना करने रही आम प्रतिनिधि आम साथ संतोष जेना रही संतोष संतोष रही प्रतिनिधि संतोष को पाखु तो जीवा तेरे पुणि थे कही रखुच्छी प्रथम ही घटना जेबे घटला सौम्य देहर जितने निआ लगे कथा उठला कि बही पोड़ पोड़ शरीर 90-95% शरीर पोड़ जीवा तापरे विशाखापट्टनम रेफर कराना जाए सुदूर कटक रेफर कर मेडिकल रेफर ठारू नहीं जब मेडिकल आडमिट ठार नहीं कटक रेफर पर्यंत जब देखा से जगह डीएफओ उपस्थिति जिते बड़े आंबुलांस जाऊ सौम्य रंजन सेठी गुरुंडी थाना ओआईसी ममता आपणा आंबुलांस को अटकवा ममता विभिन्न जगह विद्याभारती सहित नजर आसवा ममता बयान कि उपरीस्थ अधिकारी जदि निर्देश देते तेल से निश्चित भाव में प्रतिक्रिया रखिए तेणु ये उपरीस्थ अधिकारी जनक किए परे जंगल मंत्री विक्रम आरुक सहित डीएफओ लिंक एवं अनेपटे जो देखा गोटे पर गोटे चरित्र सामना को आसंती बारंबार जो देखा कि विद्याभारती हाथलेखा चिठी हो कि से डायरी हो कि पूर्वतन जो मैंने रही मानने सहपाठी जो मैंने रही नाम को ये सामिल कर डीएफओ सहित संपर्क तेणु कौटना कौटी जदि देखा घटनारू रहस्यू जो पर्दा उठवा कथा उठी पारनी परम समय जिते बढ़ुची घटना आहुरी रहस्यमय आसुची तेणु बर्तमान जोड़ प्रतिनिधि संतोष संतोष गोटे गोटे गंगाधर को बयान एक प्रकार हटचमट सृष्टि करते कहले कि से निज आखिरी देखी एसीएफ सौम्य रंजन महापात्र घर को डीएफओ संग्राम केशरी जीवा तापर जो देखा डीएफओ को बर्तमान बचाई प्राणमूर्छा उद्यम कराऊ वन विभाग चिठी आसी एक्जाक्टली से कौन उल्लेख कर चिठी हठात जारी कर पक्षर कारण कौन संतोष देखु निश्चित नीलिमा आप देखु एसीएफ को मृत्यु घटना आरंभ रु डीएफओ एवं वन विभाग कार्यालय एवं वन विभाग किसी कार्य को नहीं प्रथम ही प्रश्न उठू एवं जिते बड़े राति जगुआ गंगाधर प्रधान जिते बड़े आज गुमर खोलुंट
ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାତି 12:30 ଏମିତିକି ଗୋଟାଏ ଭିତରେ ବିଏଫଓ ଏସିଏଫଙ୍କ ଘରକୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଯିବା କଥା ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀଙ୍କୁ ଡିଏଫଓ ନଜର ପକାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିକି କହିଲେ। ଏବଂ ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ, ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ଯେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯୋଉ ଚିଠି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ଯେ ବନାଞ୍ଚଳ ଯୋଉ ମହେନ୍ଦ୍ର ବନାଞ୍ଚଳ ନାରାୟଣପୁର ଅଛି ସେ ବନାଞ୍ଚଳରୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି କରାହେଇଛି ଏବଂ ଚିଠି ଏହାକୁ କରାହେଇଛି ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜ୍ୟୋତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସ ରାୟଗଡ଼ାକୁ କରାହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ୟୋତି ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସକୁ ଚିଠି କରି ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରିରେ ରଖାଗଲା, ଡିସେମ୍ବର ମାସଠୁ ବାହାର କରାଗଲା ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ମାସଠୁ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକକୁ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର କିଛି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଦରକାର ହଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବନ ବିଭାଗର ଯେ ଡିଏଫଓ ଅଛନ୍ତି ଚାକିରି ତାଙ୍କ ହାତରେ ରହୁଛି, ସେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାକିରିରୁ ବିଦାୟ କରିଦଉଛନ୍ତି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ସର୍ଭିସରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚାକିରି ଦବା ବାହାର କରିବା ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟିଏ କେବଳ ଫର୍ମାଲିଟି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଚିଠି ଲେଖିକି ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନା ରାତି ଜଗୁଆଳି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିଠି କରାହେଇଥିବ। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁଲାସା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କରିବା, ଯୋଉଠି ବନ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଜଗିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡିଏଫଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତିରେ ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତିରେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଚୋରି ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଚୋରି ହେଇଛି। ସନ୍ତୋଷ, ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ଆସିଛି ଡିଏଫଙ୍କ ନାଁରେ କି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଅଭୟ ପାଠକ ବୋଲି, ତା କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସତ ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ମୁଁ ଏଇ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟେ ବଡ ଖୁଲାସା ହେବ, ଯୋଉଠି ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଭଳି ଦାମୀ କାଠ ଚୋରି ହଉଛି। ନୀଳିମା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଚନ୍ଦନ ବଣ ବହୁତ କମ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତା ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାର ଖୁବ କମ୍ ଜାଗାରେ ଯୋଉ ପର୍ବତମାଳାରେ ଚନ୍ଦନ ବଣ ଅଛି ସେଠି ବନ ବିଭାଗର ବିଶେଷ ଭାବରେ ନଜର ରହିବା କଥା, ଫୋକସ ରହିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋକୁ ଗଲୁ, ଶହ ଶହ ଗଛ କାଟି ନେଇ ବିକ୍ରି କରାହେଇଛି ଏବଂ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରାହେଇଛି, ଆଉ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଦଉଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଏ କଥା ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ନଜରକୁ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲେଟର ପେଡ୍ କରାଗଲା, ଏ ଲେଟର ପେଡ୍ ସତ ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତୋଷ, ଏ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ଏ ସିକ୍ୟୁରିଟିଙ୍କ ବୟାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଙ୍ଗାଧର ଏବଂ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ବୟାନ ଉଭୟ ବେଶ ଭାରି ପଡିଛି ଡିଏଫଙ୍କ ଉପରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନେଳିବା, ଯେହେତୁ ଭାରି ପଡିଛି ବୋଲି ଏ ବୟାନଟି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ କଲେ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଗଙ୍ଗାଧର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଫସେଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡରେଇବା ପାଇଁ ଧମକ ଦିଆହଉଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସେ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହଉଛି ଯେ ଗଙ୍ଗାଧର ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ଏବେ ଜାରି କରାହଉଛି ଯେ ଚାକିରି ରଖା ହେଇଥିଲା। ଏବେ ବଡ କଥା, ଏ କଥାକୁ ଯଦି ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଆପଣ ମାନେ ବାହାରକୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଆରମ୍ଭରୁ ଯେତିକି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେ ସବୁର ପ୍ରମାଣ ଆପଣ ମାନେ ଦେଲେଣି କି? ସେ ସବୁର ଅଭିଯୋଗ ବାବଦରେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେଣି କି? ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରମାଣ ଦଉନାହାନ୍ତି, ନିଜେ ଡିଏଫଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ସନ୍ତୋଷ, ଗୋଟେ ସତକୁ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ 100 ମିଛ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି। ହିସାବେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣାକୁ ଚାପିବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବଡ କଥା ହଉଛି ଯେ ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ସତ ଏବଂ ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଲାଗିଛି ସତ, କେତେବେଳେ ବି ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହଠାତ୍ ପ୍ରମାଣ ଦିଆଯିବାର ମାନେ କଣ ଥାଇପାରେ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜୁଛି। ସନ୍ତୋଷ, ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କାଲି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ କି କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଜଳପ୍ରପାତରେ ମୌଜ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମିଛ ଡ୍ୟୁଟି ଏବଂ ସତ ମୌଜର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, କାରଣ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ, ସେ ଘଟଣା ସହିତ ଆପଣ ପୁରାପୁରି ଏକଦମ ଫଲୋଅପ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, କି କୋଉଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ କି ଆପଣ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏକ ତ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଡିଏଫଓ ସଂଗ୍ରାମ କେସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ, ତାହେଲେ ଜଳପ୍ରପାତରେ ମୌଜ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ଦେଲା, କିଏ କିଭଳି ଭାବରେ ସମୟ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିଗରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଡିଏଫଓ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ବି ବେଶ ମାନେ ଖୁବ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହିଥିଲା, ମାନେ ଏତେ ଘଟଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ନିଜକୁ ହୁଏତ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ, ଏବଂ ହି ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ରାଇଟ୍, ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଡିଏଫଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିବାର ଦରକାର ଥିଲା, ଏକଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିଛି,
समस्ते जानते किंतु समस्ते कहते प्रतिक्रिया आवश्यक अच्छी देखो जड़े जदि अनुमति न देवा चाहिए अर्थात आम बारंबार ऑफिस सामना को जीवु आम अपेक्षा करू आसबे मन ईसा जीवे सी भूली जीवे से जन सरकारी कर्मचारी हुए तो सी आईएफएस टॉपर होती पारती किंतु लोकंक कथा शुणा गणमाध्यम को रेस्पोंड करवा गणमाध्यम कौ प्रश्न नहीं आसी लोके कौन प्रश्न उठाऊ प्रसंग कौन एवं विरोध में विरोध में कौन अभियोग आसी अर्थात प्रश्न को सामना करती साहस नहीं घटना को एड़े जावाई प्राणमूर्छा उद्यम कर संग्राम केसरी डीएफओ जे रही संतोष आप आलोचना बर्तमान मुझे जारी रखी कि समय एक छोट ब्रेक र स्वागत आम आलोचना करे वर्तमान रात्रि जगुआई जी रही गंगाधर प्रधान बदय जो बयान रही जहाँ बदय परिस्थिति सृष्टि होता है बर्तमान प्राणमूर्छा उद्यम जारी रही डीएफओ संग्राम केशरी बचाई से वन विभाग पक्ष एक चिठी जारी कर जो चिठी में उल्लेख कर 2020 मसीह डिसेम्बर 31 तारीख में कार्यरू गंगाधर को बाहर करान अन्य जन व्यक्ति को निजुक्ति दि जाइए तेणु एवं प्रश्न उठू हठात एत गुड़े बदय कथ जो संग्राम केसरी विरोध में आसी से जगह कौन सी प्रकार मुह खोल को नाराज डीएफओ संग्राम केसरी किंतु सामान्य जी रही सिक्युरीटी तत्कालीन सुरक्षा अधिकारी जी रही है बयान पर कहीं वन विभाग पक्षर ए चिठी को जारी करतमान प्रश्न उठू आम सर रही प्रतिनिधि मनोज रही सिमलारू मनोज जदि जितेन्द्र बारिक रही आम सी क्षमा करेंगे जितेन्द्र वन विभाग पक्षर बर्तमान जो चिट्ठी जारी कराई आप जानते गत काली जो भाव में गंगाधर बयान आसला और गंगाधर बयान आसवापर स्थित केमी आहरी बदी हो पड़ा बर्तमान जो देखा गंगाधर बयान को मिछ प्रमाणित करने डीएफओ को बचाई वन विभाग पक्षर आउ एक चिट्ठी जारी कराई केबे कार्यरु बाहर करा जगह किए निजुक्ति पाई से जगह से विषय उल्लेख कराई तो चिठी जो जारी कराई कौन से उल्लेख कराई चिठी जारी कर पछर कारण कौन देखु नीलिमा पूर्वर जो भाई भाव में डीएफओ जो वन विभाग कर्मचारी मैंने अच्छा कि डीएफओ अच्छा सबू कागजपत जहाँ अंडर हिं रोच प्रत्येक कागजपत से चाह से निजे ही मुव करती किंतु जो गंगाधर प्रधान बयान देवापर कौटे ना कौटे डीएफओं मन में भय सृष्टि जो भय को साधारण लोक मनरु ओहलिया साधारण लोक किपर प्रश्न न उठाए आंगुठी किपर वन विभाग उपरे न आसब जो से वन विभाग चिठी चिठी को जाहिर करछन कारण गंगाधर प्रधान जो प्रकार बयान देले से रात्रि जगुआली राति 12टा समय रे डीएफओ तांको पछपट गेट पटे जीवा कथा कहु एवं डीएफओ सकाल सकाल जो विद्याभारती पंडा सकाल सकाल जो वाकिंग जीवा समय रे डीएफओ छात पर जो देखुआ ए सब घटना चांचल्यक सृष्टि कला साधारण मत बे प्रश्न प्रश्नवाजी आसला जो से समस्त प्रश्न को साधारण लोकर दृष्टि आकर्षण को दूर करने वन विभाग चांचल्य करी गोटे चतुरतार गोटे चिठीटी गोटे भाइराल कर दुई दिन है आप देखिथे से चिठी में लिखा जा गोटे ठिका संस्था को मध्य सुरक्षा कर्मचारी मानक दि जाइला कारण वन विभाग बहुत कथा पदा को आसब एवं प्रत्येक लोक मत जानवे समस्ते मत जा सारी कारण जंगल मंत्री को सीधा साल हाथ रही जो गोटे पर गोटे जो जो तथ्य जाक आसी समस्त तथ्य को लुचाई प्रयास से जो जगुआली जी गंगाधर प्रधान अच्छा बयानटा किपर क्राइमब्रांच तदंत परिसर को नेब ना चांचल्य करी से चिठीटा को जाहिर करीमा तो जितेन्द्र जो जो जमती आप कहले कि आम गत काली देखुले कि जिलावासी अनेक प्रश्नर उत्तर चाहते एवं जिलावासी सोमी न्याय चाहते डीएफओ जो कारनामा रही से संपर्क में मुह खोलुंत सीधा सख भी कौन पूर्वर जो डीएफओ मैंने रही थे एत मात्रा रे साधारण लोकों सहित अंतर नाला ये डीएफओ कि आसवापर पचेरी उठेबा हो प्रवेश निषेध हो क्वाटर अंचल को से सब जिन जहाँ को नहीं तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश कर स्थानीय बासिंदा तो ये घटना को नहीं से बर्तमान किभ प्रतिक्रिया रखुंत
देखंतु नीलिमा पूर्वरु साधारण लोक जो बासिंदा मन अछंती डीएफओ कार्यालय आखपाख रहुथवा बासिंदा मध्य ता उत्तर मध्य रखछंती ता जवाब मध्य देइछंती जो डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा तांको जो डीएफओ कार्यालय भितर पाचेरी उठिया घटना कुआ जाउ एवं बाहर लोक को भितर प्रवेश सरकारी ऑफिस को बाहर जयपुर साधारण लोक मध्य प्रवेश करिया पे लंबा लंबा बड़ बड़ गेट मध्य स्क्रीन रे आपण देखि पारथिए मते से दृश्य को जो डीएफओ ऑफिस रो दृश्य पाचेरी भितर लंबा लंबा आठ फुटिया दस फुटिया कांत तैयारी करी साधारण लोक मध्य प्रवेश करिया पे मना कर दैछंती एवं सेही भली भाव रे सीसीटीवी कथा मध्य कहबा दीर्घ छ मास रु आठ मास बीती जाइछि तथापि सीसीटीवी रो मध्य काम करूनी जोथि पई डीएफओ चालाकी चतुर भाव रे साधारण लोकक थारु किछि कार्यकला पे जंगल बुलीबा ना रे खाली सरकार को राजस्व नष्ट करछंती दुई दिन तले मते गोटे वीडियो वायरल होता जो वीडियो रे डीएफओ गंडा हाथी से टूर प्रोग्राम रे जाते जोटे वृक्षरोपण करने जो गंडा हाथी जलप्रपात रही लक्ष जो पारखिणी बासिंदा कहते जिला बाहर अनेक पर्यटक मैंने आसने गाधुआ पाधुआ कर उपभोग करते सौंदर्य उपभोग करते किंतु जो डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा गाड़ी में तेल पड़ कर्मचारी मानू धरी से ही गंडा हाथी की जा बुलाबूली करूला जो साधारण मत प्रश्न उठीला डीएफओं से कार्यकलाप को से सब कार्यकलाप साधारण लोक किपर न जानती से लंबा लंबा बड़ बड़ पचेरी तैयारी करे निज सुरक्षापी कर जितेन्द्र अंपटे ये वन विभाग चिठी आसवाप गंगाधर प्रधान ए संपर्क में किसी प्रतिक्रिया मिल पारे कि कारण तक बयान पर ही यह एक हटचमट परिस्थिति सृष्टि एवं बाध्य वन विभाग मत एक प्रकार चिठी जारी कर तो यापर प्रतिक्रिया कि आसपारे कि देखंतु नीलिमा गत काली मध्य गंगाधर प्रधान आम बयान नहींथलु से तांको बयान रे मध्य कहिथिले डिसेंबर मास परे जो चिट्ठी वायरल करुछंती वन विभाग कर्मचारी माने से चिट्ठी रे उल्लेख अछि डिसेंबर मास रे तांको बात करा जाय छि ऑफिस रो किंतु गंगाधर प्रधान कहिथिले जे मु एते ज्ञानी नुए कि एते अज्ञ नुए कोनोसी अधिकार किछि मध्य लेटर तांको कडी नांती कि तांको देई नांती जनवरी मास पर्यंत से काम करछंती फेब्रुवारी मास रो किछि दिन मध्य से काम करछंती ता परवर्ती समय रे बैंक रे जाई तांको एक अकाउंट चेक करिया समय रे से जानी लेते अकाउंट को टंका आसी ना से टंका आसी ना कौन पाई कही पचारे जापारे तो ऑफिस रु बात कर ए संपूर्ण घटना जो राति से देखी थे बारटा अधर घंटे मध्य जो जहाँ देखी परवर्ती दिन रही आम प्रतिनिधि मनोज प्रधान सिमुलियारू मनोज बर्तमान देखो घटना दिनक दिन जी समय बढ़ुची माने अड़ुआ सूता खोल बदल में आहरी गुड़े तुड़े हो गोटे बड़े क्राइमब्रांच तो तार तदंत जारी रखी कि सौम्य पर लगे क्राइमब्रांचर तदंत को नहीं खुशी ना सीबीआई तदंत दाबी करते अंपटे देखो गंगाधर जो बयान आसाला से बयान पर वन विभाग एक चिठी जारी करते सब घटना घटीगला गोटे थर मत ना संग्राम केशरी ना वन विभाग पक्षर एने कौन प्रकार कार्यानुषान भी डीएफओ पर सामान्य जड़े रात्रि जगवली बयान पर वन विभाग एक चिठी जारी करछि तो ये घटना सामना को आसीबा परे वर्तमान सौम्य परिवार हेउ बा किछि प्रतिक्रिया प्रकाश पाउछि के घटना को नहीं जितेन्द्र आम मनोज सहित तो जोजोग करवा कि कहली कि एत सब घटना पर भी जोटी कहीं मुह खोल ना मुह खोल तो दूर कथा कार्यानुषान भी नि जाए डीएफओ विरोध में बदल भी कर कार्यानुषान तो बहुत दूर कथा तो अंपट ये सामान्य बयान पर वन विभाग जो चिठी सामना कोमी लगुच कि घटना पचे रही ना हठात वन विभाग यही घटना पर कहीं चिठी जारी कला देखंतु नीलिमा पूर्वरु जो भाई पुलिस तदंत करुला कि क्राइमब्रांच तदंत करुच्ची अड़ुआ सूतार कौटि ना कौटे छंदी जाऊला जो पुलिस को बहुत लंबा समय लगता मसेरु अधिक समय लगता तदंत प्रक्रिया को क्राइमब्रांच को हस्तांतर करने कारण गोटे कथा जो कह पुलिस जो ढंग से तदंत करुला से बासभवन को जाकि सरकारी ऑफिस को जा तदंत करुला परवर्त समय क्राइमब्रांच तदंत आरंभ करुला क्राइमब्रांच तदंत प्रक्रिया जो कथा कह विद्याभारती पंडा को साढ़े सात घंटा
जेरा कर 70 रु अधिक प्रश्न पचार जहाँ क्राइमब्रांच डीएसपी सूचना देते कि गोटे कथा जो कह लंबा समय वन विभाग चिट्ठी जारी परे गंगाधर प्रधान गंगाधर प्रधान बयान परे जो वन विभाग चिट्ठी जारी करछे या परे किछि प्रतिक्रिया प्रकाश पाउछि किसोमे को परिवार पक्षरु देखो तो नेलिमा आपण जो कथा कहते पूर्व जिते दिन गड़ी गड़ी जाऊँ रहस्यमय हो जाऊँ समय रंजन मृत्यु मामला आपड़ देखुए प्रथम रू पर लोके तदंत प्रक्रिया पर सन्देह सृष्टि करते क्राइमब्रांच सीबीआई तदंत दाबी करते पुलिस विफल पर क्राइमब्रांच तदंत भार ना और क्राइमब्रांच पुलिस भली तदंत प्रक्रिया करुवा जहाँ पर लोक अभोग कले सीबीआई दाबी कले कि एपर्यंत कौटना कौटी जहाँ पर लोक अभोग अनुजाई बड़ बड़िया हाथ रोच जहाँ कहते जंगल मंत्री तथा राज्य सरकार संप्रति रोच मंत्री सहित डीएफ सहित से न्याय मिल पार नहीं एने केवल पर लोक नि खैरा अंचलवासी सामना को आसले आप देखिए गत काली खैरा अंचल बुद्धिजीवी एवं अनेक खैरा बासिंदा समीरंजन न्याय दाबी से आसंता 9 तारिख में खैरा बजार बंद कर धारणा देवे चेतावनी एवं सरकार को चेतावनी जदि आगामी दिन में पंचायत निर्वाचन पूर्व जदि न्याय न मिले सौम्यों मूर्तिर न्याय न मिले तेल भोट बर्जन करिए खैरावासी चेतावनी तो देखिवार कथा ए वन विभाग चिट्ठी जारी परे घटना आग को क्यों मोड़ ने खास करी वन विभाग कहीं चिट्ठी जारी कर तरबरिया भाव एने असमाहित प्रश्न सृष्टि हो तो देखिवार कथा ये घटना पक्षर प्रकृत घटना कौन के सामना कर धन्यवाद मनोज धन्यवाद जितेन्द्र रही प्रतिनिधि संतोष अनेक अनेक धन्यवाद समय कार्यक्रम को रखा नमस्कार।